वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का कॉमर्स स्ट्रीम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट वन जो है आप लोग का चैप्टर नंबर 5 लोकस एंड स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 7, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 to 8 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो बिना किसी देरी से हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रिमेनिंग लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 का 2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करके दिया हूँ और 5.1 भी सॉल्व हो गया है। आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर 5, अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट। एक मिनट, देख नहीं रहे आप लोग को? वन सेकंड दोस्तों, कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक मिनट। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है ना? दिख रहा है। अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। क्या बोला है? एक लाइन है, एक लाइन नहीं, दो 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 लाइन है। देखो इंटरसेप्ट हो रही, मतलब इंटरसेप्ट एक लाइन दूसरे लाइन को काटते हुए जा रही है, और एक का पॉइंट 3 और एक का पॉइंट भी 3 है। फिर क्या बोला? ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हम लोग फाइंड करना है इंक्लिनेशन। एक्सिस तो हम लोग को डिक्लेयर हो गया, क्या बोल दिया? फाइंड द इंक्लिनेशन, मतलब हम लोग का यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन टेन थीटा वाला लगेगा। ये बात तो डन हो गया, ठीक है। चलो अब आगे का सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे होगा। शुरू करें बिना किसी देरी से, चलो आ जाओ। ये मेरा नोटबुक है, देख सकते हो, अच्छा नोटबुक है ना। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। दिख रहा है? एकदम दिख रहा है भाई, दिख रहा है। ओके, पहले हम लोग यहाँ पे ऐसा लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इक्वल टू 3। ओके, एंड देन वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इक्वल टू 3। समझ में आया? नहीं समझ आया देखो कैसे। इधर क्या बोला? अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट, मतलब लाइन क्या हो रही है दोस्तों? इंटरसेप्ट हो रही है। लाइन क्या हो रही है? इंटरसेप्ट हो रही है। तो कभी भी देखो, अगर सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, लाइन ऐसे इंटरसेप्ट होती है ना भाई, दोनों को मतलब काटते हुए जा रही है। तो हम लोग का एक एक्स पॉइंट मिलेगा, एक मिलेगा वाई। इसीलिए मैंने बोला एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इक्वल टू 3, वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इक्वल टू 3। ओके, तो मैं एक को पॉइंट को ई मानता हूँ और एक को बी, कुछ करना ही नहीं है। देखो पहले क्या बोला? अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर वाई पे कट किया, एक्स का पहले 3 है, तो पहले क्या होगा? एक्स का 3 वाई का 0, मतलब देखो वाई का 0 और एक्स का 3, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर क्या बोला? फिर एक्स का 0 ले लेते हैं। एक्स का इसमें क्या था? 3 था, मतलब यहाँ पे हुआ, फिर इसका 3 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स वन, और ये हो जाएगा वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू, और ये हो जाएगा वाई टू। सिंपल है। अब आगे देखते हैं, फाइंड द स्लोप। पहले स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी रहे, ए बी रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी का फार्मूला क्या है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यही है कल हम लोग देखे थे। वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक मिनट एक्स टू माइनस एक्स वन सॉल्व कर दो। इसमें वाई टू क्या है? 3 है, वाई वन 0, 3 माइनस 0, फिर इसमें एक्स वन क्या है? 0 माइनस 3, 3 माइनस 0, 0 माइनस 3, क्या बचेगा? 3 अपॉन माइनस 3, 3 कैंसिल, बच गया माइनस 1। ओके, 3 वन जाए 3, तो क्या बच गया? माइनस 1। मुझे क्या मिल गया? स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू माइनस 1। हम लोग को स्लोप ऑफ लाइन पूछा है क्या? चलो पूछा नहीं, हम लोग को क्या पूछा? फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तो हम लोग स्लोप क्यों निकाले? हम लोग स्लोप की मदद से ही इंक्लिनेशन को निकालेंगे। कैसे? देखो यहाँ मैं ले लेता हूँ लेट, लेट थीटा बी एन इंक्लिनेशन
अब देखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू टेन थीटा। बस यहाँ पे पुट कर दो टेन थीटा, ओके। स्लोप ऑफ लाइन मुझे कितना मिला, -1, तो यहाँ लिखेंगे ना -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू 10 थीटा, ओके फ्रेंड, -1 इक्वल टू 10 थीटा। तो इसको आप सॉल्व करो, अब 10 थीटा इधर लिख के आ जाओ, 10 थीटा इक्वल टू -1। अब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मालूम है, नहीं बताता हूँ, देखो इसका दोस्तों आंसर जो हो जाएगा, θ = -45°। ऐसा क्यों, -45° क्यों हुआ, रीज़न जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, यहाँ पे आप ऐसा लिख दे दो, सिंस 10 थीटा, ओके, 45° = 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे -45 ले लिया, क्योंकि ये हम लोग का 45° का वैल्यू मिल रहा था। इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 होता है सॉल्व, स्क्रीनशॉट चाहिए तो एक मिनट ऊपर से भी ले लो, ऊपर का भी सामने नहीं है, बहुत इजी सा है, इससे इजीएस्ट कुछ हो सकता है तो बताओ, इतना लिया स्क्रीनशॉट। अब बचे हुए स्टेप्स इधर है, ये भी ले लो, ले लिया ना, चलो बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, क्या पूछा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पहले ही बोल दिया, मतलब विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो दैट पॉइंट्स ए दिया 4, 4, बी दिया 3, 5 एंड सी दिया -1, 1 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। है क्वेश्चन बहुत इजी, बट थोड़ा सा लेंदी है, तो लेंदी है तो हम लोग भी तो लेंदी लोग हैं, चलो शुरू करते हैं। मुझे क्या बोला है, पॉइंट पहले ए दे के रखा है मुझे, क्या क्या दिया 4, 4 एंड देन पॉइंट बी मुझे दे के रखा है 3, 5 दिया है, सी का पॉइंट मुझे दे के रखा है -1 और -1, और मुझे एक कंडीशन बोल कर रखा कि आपको विदाउट पाइथागोरस थ्योरम, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करना है, मतलब ये बोलना क्या चाहता है, देखो ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रफ फिगर है, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, यहाँ पे हम लोग का 90 का एंगल बन रहा है, ओके। हम लोग को क्या करना है पता, हम लोग को ये एक प्रकार से प्रूफ करना है कि ये इस पॉइंट की मदद से कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो अब तक हम लोग क्या करते थे, इजीली क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करते थे, अगर साइड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर के अगर इक्वल आता था, मतलब हम लोग का ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब तक हम लोग यही करते थे। बट इसमें हम लोग को पहले ही बोल कर रखा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम जिसमें हम लोग अप्लाई नहीं करते थे, तो क्या अप्लाई करेंगे, बहुत बढ़िया अप्लाई करेंगे, क्या स्लोप ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट, शुरू कर हो जाओ, एम ऑफ ए बी, मैं बताया था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में परसों के लेक्चर में, एम ऑफ ए बी क्या होगा, y2 - y1 x2 - x1, एम ऑफ ए बी मतलब स्लोप ऑफ ए और बी, शॉर्ट फॉर्म में एम ऑफ ए बी भी लिख सकते हो, ए देखो ये एक्स वन है, ये काम करो पहले वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि ए और बी में, ए और बी के कोऑर्डिनेट में एक्स वन क्या है और एक्स टू क्या है, वाई वन क्या है, वाई टू है, मैं तो बताता हूँ, लेकिन वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखो क्या है। इसमें एक्स वन हम लोग का 4 है और एक्स टू 3 है और वाई वन 3 है और एक्स वाई टू 5, तो क्या होगा 5 - 3 अपॉन 3 - 4, ये क्या लगता है बाबा, 5 में से 3 गया बचा, 2, 3 में 4 गया बचा, एक बट माइनस 5 में से 4 जाएगा ना बाबा, एक मिनट क्वेश्चन रॉन्ग है क्या, यस इधर 4, 4, 4 आएगा, 4, 4 तो इधर इधर हो गया 1, देखो 1 / 1 कितना बचेगा, -1, मतलब मुझे एम ऑफ ए बी क्या क्या मिल गया, देखो मुझे ए और बी का जो स्लोप कितना मिला दोस्तों, -1, 1 मिला। अभी मैं इसी तरीके से बी सी का भी निकालूंगा, ए सी का भी निकालूंगा, फिर देखूंगा मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। इतने का पहले स्क्रीनशॉट लो, ले पहले लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करता हूँ, लिए बहुत इजी स्लोप ऑफ लाइन का एक कॉन्सेप्ट, लिए
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर दोस्तों। ओके, वहाँ पे हम लोग क्या किए, स्लोप ऑफ ए बी को सॉल्व किया। अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे स्लोप ऑफ बी सी को, तो क्या लिखेंगे, एम ऑफ बी सी। एम ऑफ बी सी फार्मूला क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन का, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, सिंपल। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसके नीचे सॉल्व करना, स्टेप वाइज स्टेप, नीचे एक के बाद एक। मैं इधर ही कर देता हूँ, मुझे टेक्स्ट बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये b का है पॉइंट, ये c का पॉइंट है। ओके, इसमें से ये x1 है, ये वही y1, x2 ये y2, फिर क्या बोला है y2 माइनस y1, तो मतलब इसमें y2 माइनस 1 और y1 5 है, तो माइनस 1 माइनस 5, माइनस मतलब साइन बीच में रहा है, फिर माइनस 1 माइनस 3 सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, बट बड़ी साइन क्या है, माइनस, तो माइनस 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बड़ी साइन क्या है, माइनस, तो माइनस 4। ये कट सकता है क्या, देखो टू के टेबल से कटेगा, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, हो गया, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, मतलब माइनस थ्री अपॉन टू, माइनस नहीं आया, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस इधर ही कट कट गया। अभी हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे एम ऑफ ए सी, वहाँ पे हम लोग स्लोप ऑफ ए भी निकाले जो कि माइनस वन मिला, तो यहाँ पे हम लोग को स्लोप ऑफ बी सी निकाला, तो मुझे थ्री अपॉन टू आर टू मिला। अभी मैं स्लोप ऑफ ए सी निकालूंगा, ए सी इसका फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ओके, इसमें ए सी का आप कोऑर्डिनेट देखो, ए सी का ये देखो, ये x1 है, ये y1 है, और ये क्या है, y1 है, ये x2 और ये y2। ओके, तो इसमें y2 तो सेम रहेगा, माइनस वन पिछले वाला कंडीशन, बट y1 पे आ जाएगा 4, इधर माइनस वन इधर माइनस 4, इसका भी लगता है दोस्तों वन ही आएगा, बट देखते हैं अभी कैसे बोल दूँ। माइनस माइनस प्लस बड़ी साइन माइनस, तो माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस बड़ी साइन माइनस, तो माइनस फाइव, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, तो मिल गया वन, फाइव वन जा फाइव, तो मिल गया वन, मिल गया ना दोस्तों वन, इतना मिला। अब चलो सॉल्व करते हैं, मुझे एम ऑफ ए पीछे कितना मिला, एम ऑफ ए बी माइनस वन, इधर कितना मिला, एम ऑफ बी सी थ्री अपॉन टू, एम ऑफ ए सी कितना मिला वन। तो मुझे प्रूफ करना है ना कि ये कैसे हो रहा है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट था बताया कि कभी भी क्या करने का, एम ऑफ ए बी इंटू एम ऑफ ए सी, ऐसा कभी भी कंडीशन आवे तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने का। देखो एम ऑफ ए बी मुझे प्रीवियस पेज पे कितना मिला, माइनस वन, और एम ऑफ ए सी मेरे सामने इधर ही वन है, तो वन, वन वन जा वन माइनस वन, मतलब हम लोग का क्या हो गया, ए बी जो है वो ए सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसे, देखो मैंने ए बी लिया और ए सी लिया, प्रीवियस पेज पे आ जाओ, ये हम लोग का ए बी है और ये हम लोग का ए क्या क्या करूँ पीछे कहता है, ए बी और ए सी, ये हम लोग का ए बी है। ओके, ये हम लोग का ए सी है, दोनों के पॉइंट को हम लोग क्या किए, आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दिए, समझ में आ रहा है ना, इसी के लिए हम लोग का परपेंडिकुलर हो गया। अब बहुत लोग बोलोगे देखो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री पे ही बनता है ना, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री पे ही बनता है, तो आप इधर 90 डिग्री से इसका इधर होता तो उधर से आप क्यों ले रहे हो। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, नहीं प्रीवियस के प्रीवियस वीडियो में था बताया, अगर वो वाला देखे हो तो आप समझ जाओगे। इसमें क्या होता है पता है, इसमें हम लोग दो वर्टाइसेस को मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग का वन आता है तो हम लोग उसको समझ लेते हैं कि परपेंडिकुलर है, ए आप अपना ए बी पे और ए सी परपेंडिकुलर है। ओके, प्रीवियस वीडियो में था बताया, तो भी हम लोग इधर क्या क्या करेंगे पता है, आंसर लिखेंगे इसका ए एन एस, कैसे, पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस, आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आप लोग लिखना, मैं ट्रायंगल का शेप बना दे रहा हूँ, तो इतना स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सिक्स भी होता है ख़त्म, और एक क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं, तो इसको मैं आईएमपी बोल रहा हूँ, तो आईएमपी आप भी अपने टेक्स्ट बुक में लिख लो, आईएमपी आ भी सकता है, नहीं देखो पेपर तो मैं सेट नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी अक्सर लोग यही क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो
चलो बढ़ते हैं। आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, ये नहीं कि ये बोल रहा तो ये क्या 100% यही आएगा, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा हाईली चांसेस 90% है। चलो क्वेश्चन नंबर सेवन्थ पे, अब क्वेश्चन नंबर सेवन्थ सॉल्व करते हैं। सेवन्थ भी बहुत ईजी ही लग रहा है, देखते हैं क्या पूछा पहले। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स वाई इज मेजर क्लॉक वाइज। देखो मैं आप लोग को परसों के लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट बताया था, पता है क्या, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये है। कैसे है इसको थोड़ा आप लोग अगर फिगर के माध्यम से हम लोग समझें ज़्यादा समझ जाएगा। कैसे, ऐसा हम लोग का एक लाइन है, समझो खाली अभी, इधर भी मतलब हम लोग का क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, इतना समझा। और ये हम लोग का 90 का इधर बन रहा है, तो उसको हम लोग इधर बताने की जरूरत है नहीं। हम लोग को बोला क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंगल ऑफ 45 डिग्री मतलब ये हम लोग का कितना है, सिर्फ ये 90 है, मतलब 45 के एकदम आधे आधे पे होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ जूम। अच्छा आपको नहीं कि एकदम प्रॉपर बना रहा है, हम लोग को रफ समझने के लिए बना रहे हैं, तो हम लोग का ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। हम लोग का एक कितना हो गया दोस्तों 45 डिग्री। अब क्या बोला, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, क्या बोला, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब देखो आप लोग को एक चीज़ पता होगा, क्लास टेंथ में हम लोग ये थे, ये प्लस होता है, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ऐसे जो है प्लस प्लस नहीं, ऐसा होता है प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, देखो प्लस 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 माइनस 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 प्लस, नहीं कभी कभी कन्फ्यूज हो रहा हूँ, ऐसे होता है प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है ठीक है। ये हम लोग का 45 डिग्री हो गया, ओके। क्या बोला हम लोग को, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये तो पूरा प्लस का है, तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो अगर इससे इसको अगर इधर इधर इसको टर्फ करके आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं इसको ऊपर की तरफ ही लेके जाऊँगा, मतलब हम लोग का 45 डिग्री जो है इधर से उठ के उधर जा रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला, ऑफ द वाई एक्सिस मेजरेट क्लॉक वाइज, हम लोग का ये वाई एक्सिस है, तो ये इस तरीके से उठ के इधर जाएगा ना इधर, तो हम लोग का ये मेजर किस पे हुआ, वाई एक्सिस पे हुआ, यही बोला है। तो वाई एक्सिस पे बाद हम लोग को सबसे पहले उसका बताओ कि क्या क्या होता है, तो मैं यहाँ पर सीन्स लेता हूँ कि मुझे मालूम क्या क्या है, मुझे क्या क्या मालूम, तो मैं लिखूँगा एंगल मेड विद डायरेक्शन, एंगल मेड विद डायरेक्शन, आपको आजू बाजू की नॉइज सुनाई देगी प्लीज़ इग्नोर करना, एंगल मेड विद द डायरेक्शन, विद द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। तो हम लोग क्या लिख लिया यहाँ पे, एंगल एंगल मेड विद द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस 45 डिग्री, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग का जो एंगल है दोस्तों ये 45 डिग्री पे मेड हो रहा है, देखो समझो ये सब चीज़ समझने वाली है, इसको आप रट्टा नहीं मार सकते हो, समझो हम लोग जो एंगल है वाई एक्सिस पे मेड ऑफ ना 45 डिग्री पे, तो वही इसने बोला, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा। अब देयरफॉर अभी जो दिया है वो लिखो, एंगल एंगल मेड बाय एंगल मेड बाय लाइन, एंगल मेड बाय लाइन, एंगल मेड बाय लाइन, वन सेकेंड, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हम लोग को क्वेश्चन में ही देख के रखा है इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 45 डिग्री, और इसको हम लोग थीटा भी बोलते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है, देखो यहाँ पे बोला ना कि आपको 45 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस, मैंने यहाँ पे बोला कि एक्स एक्सिस से हम लोग का बंदे हो गया, लिखा एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव, मतलब ये एंगल जो हो रहा है एक्स एक्सिस पे मेड हो रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है 45 डिग्री इक्वल टू थीटा। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट आप तो मालूम ही होगा, क्या स्लोप ऑफ लाइन, क्या इसमें स्लोप निकालना है, स्लोप आप निकाल सकते हो क्या, ऐसे बताओ, इसमें y1 y2 x1 x2 कुछ दिया है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे, ये तो दिया है tan थीटा, थीटा कितना दिया है 45, तो लिखूँगा tan 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो हम लोग का हो गया ans, मतलब आंसर ans विकरान में समझो, स्लोप ऑफ लाइन 1 मिल गया, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर होता है 7 सॉल्व। अगर ये आपको चाहिए फिगर तो ये भी ले लो, नहीं भी बनाओगे चलेगा, मेरे सिर्फ रफ है समझने के लिए, स्क्रीन शॉट चाहिए तो ले लो। ले लिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन से होगा क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, एक नया क्वेश्चन और फ्रेश पेज के साथ। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना। ठीक है, बोला क्या है, एक क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, देखें देखेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट्स पी के माइनस वन क्यू टू वन एर, मतलब कॉलिनियर बोल दिया है, इजी है क्वेश्चन, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। देखो कैसे समझो, मैं यहाँ पे एक फिगर आपको दिखाता हूँ, ऐसा एक लाइन है समझने के लिए, इधर पॉइंट पी है, इधर पॉइंट क्यू, इधर पॉइंट आर, ये आर हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। मुझे दिस सिंस देयर फॉर मुझे सिंस मुझे क्या दे के रखा है, पी का पॉइंट मुझे दिया है के माइनस वन, क्यू क्यू का पॉइंट मुझे दिया है टू वन, आर का पॉइंट मुझे दिया है फोर फाइव। ओके, इतना समझ में आ गया। क्या बोला है मुझे क्वेश्चन, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट पी क्यू एंड आर आर कॉलोनियर, मतलब कॉलोनियर मतलब क्या, ये सारे पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहा है, तो उसके लिए मैंने एक ही लाइन में लिखा, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के देखो मतलब कैसे होगा पता है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक चीज़ आप यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखो, क्या पॉइंट्स पी क्यू आर आर कॉलिनियर, ये भी मुझे बोल कर रखा है भाई, तो क्या सब कॉलिनियर है, तो मैं सबका पता है मुझे, देखो यहाँ पे सबका कोऑर्डिनेट दे के रखा है, कोऑर्डिनेट दे के रखा मतलब एक बात तो डिक्लेयर हो गया कि हम लोग यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो देर किस बात की है, तो अगर देखो अगर तीनों पॉइंट आपस में क्या है कॉलिनियर है, तो इसका मतलब कि एम ऑफ पी क्यू इक्वल टू एम ऑफ क्यू आर इक्वल टू एम ऑफ पी आर, तीनों इक्वल होगा, एम ऑफ मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर, यही होता है, इक्वल है तो मतलब हम लोग किसी दो का फाइंड करते हैं हम लोग को के का वैल्यू आ जाएगा, तो के का वैल्यू मुझे इसका चाहिए, मतलब पी और क्यू में निकालता हूँ, तो मतलब पी क्यू और क्यू आर में निकालता हूँ, उसका स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो यहाँ पर फार्मूला पुट करूँगा वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू सेम फार्मूला वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब शुरू हो जाओ, ये पी और क्यू, जब ये पी क्यू है ना, तो भैया पी और क्यू के कोऑर्डिनेट पे देखो, इसमें वाई टू क्या है, तो वाई टू वन है, वन है वाई वन माइनस वन, तो इन ब्रैकेट लिखो, एक्स टू कितना है टू है, और ये कितना है के, जिसको ऐसा रहेंगे, फिर देखो क्यू और आर है ना, तो क्यू और आर में देखो, क्यू और आर में इसमें वाई टू क्या है फाइव है, और वाई वन वन है, फिर फोर माइनस टू, यही कॉन्सेप्ट है, एकदम यही है, इतना आप लोग को आता ही है। देखो माइनस माइनस प्लस, तो वन प्लस वन टू अपॉन टू माइनस के इक्वल टू फाइव, फाइव माइनस वन फोर, फोर माइनस टू, अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, टू टू जा फोर इक्वल टू 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 फोर हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर फोर इधर रह जाएगा टू माइनस के, अब सॉल्व करते हैं फोर इक्वल टू फोर टू जाए एट, फिर फोर इंटू के फोर 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 के, अब क्या करता हूँ फोर के उधर क्या माइनस के, तो उसको इधर लिखाता हूँ हो जाएगा प्लस में फोर के इक्वल टू ए एट माइनस फोर, फिर के इक्वल टू देखो आठ में से चार गया बचा चार, और इधर फोर क्या था मल्टीप्लाई में जा जाएगा फोर हो जाएगा डिवाइड में इक्वल टू के इक्वल टू वन, फोर वन जा फोर, मतलब मुझे के की वैल्यू कितनी मिल गई, के की वैल्यू मुझे मिल गई वन। इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 आज पूरा होता है क्लोज, बहुत सिंपल एक्सरसाइज था, स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो, इतने स्टेप्स का ले लो, ले लिए। इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 होता है क्लोज, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.3 में कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए डाउट होगा कुछ पूछना, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।